और अब रुख करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों का। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश, बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना। कोलकाता के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के उदयपुर में हुई बारिश, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के पालघर में तेज हवा में पेड़ गिरने से 70 वर्षीय महिला की मौत, दो दिनों तक पेड़ के नीचे फंसी रही महिला। उत्तराखंड के लोगों को भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने 23 और 24 जून को भारी बारिश होने का अनुमान लगाया। पंजाब में प्रचंड गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत, मौसम विभाग ने बारिश और धूल भरी आंधी के चलने की जताई संभावना। हिमाचल में झमाझम बारिश के बाद 5 डिग्री तक गिरा टेम्परेचर, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुहाना हुआ मौसम, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन हो सकती है झमाझम बारिश, रायपुर बिलासपुर में प्री मॉनसून की बारिश से तापमान में गिरावट आई। कर्नाटक के हुबली में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, बारिश और तेज हवा से मौसम में आई नरमी। कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। झारखंड में 11 दिन देरी से आया मॉनसून, पाकुड़ और साहिबगंज में हुई झमाझम बारिश, 5 दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 22 से 24 जून के बीच भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट। बाढ़ के कारण असम का हाल बेहाल, हर तरफ मची भयंकर तबाही, आपदा में अब तक 36 लोगों ने गंवाई जान। असम के करीमगंज, नागांव, लखीमपुर और उदलगुरी समेत 19 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अमेरिका के ओहियो में हीटवेव से परेशान हुए लोग, बोटिंग का ले रहे मजा। इटली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, पारा 36 डिग्री के पार पहुंचा। चीन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश से कई घरों को पहुंचा नुकसान, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी रेस्क्यू टीमें।